इंडिया से नरेश शर्मा जी का पुकार रहा हूँ प्रश्न के लिए। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई। और मेरा आप सबको मैं धन्यवाद एक साथ दे देता हूँ। मेरा जो प्रश्न है वो प्लाज्मा थेरेपी से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी, ICMR ने देश के करीब 20 इंस्टीट्यूट है जिनको प्लाज्मा थेरेपी के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, उनको इजाजत दी है, लेकिन उनमें राजस्थान का नाम नहीं है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कब तक शुरू होगा, और जो पेशेंट जिनका इलाज हो चुका है क्या उनसे जो प्लाज्मा इकट्ठा करने की भी सरकार की कोई योजना है, कोई काम हो रहा है उससे? देखिए, पहली बात तो ICMR ने SMS अस्पताल को परमिशन दे दी है प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए। कल से वो शुरू हो जाएगी। और दूसरा, जो डोनर्स तय कर रखे हैं, क्योंकि जो मरीज ठीक होता है उसके 28 दिन बाद में प्लाज्मा का प्रोसेस शुरू हो सकता है, और मरीज जो ठीक हो गया उसके ऊपर वो सब तैयारी कर रखी है। और राजस्थान में बहुत ही अच्छे ढंग से इस काम को अंजाम दिया जाएगा। सवाल ये कि हर एक काम नहीं आता, ये सिर्फ जो बहुत सीरियस मरीज होंगे, वेंटिलेटर में जाने वाले होंगे या ऐसे बहुत सीरियस मरीज होंगे, उसके ऊपर ये प्लाज्मा थेरेपी काम करती है। और वो भी अभी पूरे दुनिया के अंदर कई तरह की इसमें आशंका व्यक्त की जा रही है, रिसर्च भी चल रही है। तो तमाम बातें ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो विश्व में जो रिसर्च चल रही है उसमें SMS हॉस्पिटल भी उसमें भागीदार है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि सबसे अच्छी बात है कि राजस्थान में जो है अभी वेंटिलेटर बहुत कम लोग हैं। तो एक पेशेंट अभी वेंटिलेटर पर है, इक्का दुक्का ही है। तो इसलिए कहने का मतलब कि इसका हमें आभार है, हम उस पर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। मैं